अगर आपको उन मनुवादियों को, उन आरएसएस के गुंडों को, नागपुरियों को हराना है, सो यू गॉट टू फाइंड आउट अ वे एंड दैट इज द ओनली वे. आप अपने संख्या बल से सड़कों से हरा सकते हैं, क्योंकि किससे, अगर जाति का गंदा कीड़ा दिमाग से नहीं निकालोगे, एक नहीं होगे, तो ऐसे ही दोबारा 2024 में मारे जाओगे. फैसला आपको करना है. 2024 विल्सन जी ने भी कहा इज अ डेंजरस टाइम 2024. अगर आप नहीं बोले, अगर आप सड़कों पे नहीं आए, तो हमें आंदोलन, अगर साक्षी मलिक जी को भी जो इन्होंने कहा कि क्या उनको स्ट्रैटेजी है, क्यों ऐसा हुआ, अगर आप सुन लीजिए, पीड़ित जितने भी हैं, शोषित जितने भी हैं, अगर आप एक नहीं हुए बड़े दुश्मन को हराने के लिए, जो एक आज ऑपोजिशन है, हर एक को छोटे छोटे दुश्मन से दोस्ती पहले करनी पड़ेगी, एक प्लेटफॉर्म पे एक होना पड़ेगा, अपने अंदर के जातियों के डिफरेंसेस, अपने आप को दूसरे से जो ऊपर समझता है कि मैं जाट हूँ या मैं गुजर हूँ, तो मैं शूद्र से, जो अति शूद्र है उनसे ऊपर हूँ, इस सारी गंदी और घिनौनी सोच से ऊपर उठ के एक होना पड़ेगा. ये भी सिखाया जाता है, किसी का रेप हो जाए तो उस लड़की को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उस लड़की के हाय तोबा होगी कि भैया रेप हो गया, बेइज्जती होगी, इज्जत लूट गई हम. लेकिन हमारा नैरेटिव वो नहीं है, हम एजुकेटेड लोग हैं, हम आपको कैसे जागरूक करेंगे. वो मेरी बहनें हैं ना पहलवान, तो मैं उनको भी यही कहूंगी कि मैं जिस जो चीज़ें हम देखते हैं, अगर आपका शोषण हुआ है तो शोषण के खिलाफ लड़ना है एंड तक, दब तक जो जुल्म कर रहे हैं वो सही ठिकाने पे नहीं पहुंच जाए. अगर आपका फिजिकल या मेंटल अब्यूज किसी ने किया है, किसी ने रेप किया है, तो आपको रेपिस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करना, आपको उस जिसका साथ वो शोषण हो उसको प्रोटेक्ट करके चलना है. लेकिन आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी, हर टाइम स्पेस के हिसाब से आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी, तरीका बदलना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा. अब सरकार ये आ गई, कब से दलित आदिवासी पिछड़ों का शोषण हो रहा है और अब तो ज्यादा हो रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है और अंदर कुछ हो रहा है, तो क्या हम लड़ना बंद कर दें, हम जुल्म के खिलाफ बोलना बंद कर दें. एज ए वुमेन आई हैव माई सोल फुल सॉलिडारिटी, एज एक भारत की बेटी होने के नाते, क्योंकि आपने देश को इतना प्राइड प्राउड फील करवाया है, आप भारत का प्राइड है, तो मेरी फुल सॉलिडारिटी है. बट आई वुड जस्ट से कि बहन ये लड़ने का तरीका नहीं है, प्लीज़ ये मत कीजिए, क्योंकि अमूमन जो और लोग हैं, और लड़कियां हैं, वो भी इस तरीके से हार मानेंगी, शायद आपके जितनी पॉपुलर नहीं होंगी, तो मेरे लिए ये तरीका नहीं है एंड दिस इज नॉट अ ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. आपने कहा कि वो ऐसा मैदान छोड़ के उनको नहीं जाना चाहिए, तो आखिर क्या कारण रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैदान छोड़ के किसी के दबाव में भागे वो लोग? दबाव में नहीं, आई डोंट नो दबाव में भागे या क्या उनकी मनोस्थिति है ये नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होता. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होता है कि गिरते हो, उठते हो, लड़ते हो, फिर गिरते हो. अगर एक स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करी, दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाओ. अगर आपको लगा क्यों क्यों जरूरी था, क्योंकि जितना देश अवाम सोशल मीडिया के रहे, सड़क के रहे, पूरे देश भर में उनके लिए आंदोलन हो रहा था, तो ये इतना बार बार ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता. और अगर वो बाहर आती, क्योंकि वो पॉपुलर फेस है, उनको दोबारा ऐसा ही जनसमर्थन मिलता, जो मैं अगर आम लड़की को इतना नहीं मिलता, आम लोगों को इतना नहीं मिलता, तो उनसे बहुत लोगों को होप और उम्मीदें थी. तो आप ये कह सकते हैं कि शोषणकर्ता बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जनता से पावरफुल कोई नहीं है, जनता सबसे ताकतवर है और सड़क सबसे ताकतवर है. उनको उनके साथ है ना, पांच राज्यों के चुनाव में बिल्कुल नहीं. भूषण शरण सिंह का नाम, अरे भाई प्लीज प्लीज प्लीज, ऑल आर इन सॉलिडारिटी विद ईच अदर, और हम रहेंगे भी. और ये खाली प्रोफेसर की बात नहीं है, प्रोफेसर इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आपने देखा, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा रतनलाल साहब ने, कि एक वो सीढ़ी थी जिसमें सबसे पहले रतनलाल साहब चढ़े, उसके बाद लक्ष्मण यादव जी आए, और मेरा सफर एकदम सेम था, रोस्टर आंदोलन से हमारा मूवमेंट शुरू हुआ. और उन्होंने वो सीढ़ी, अभी संगी क्या कर रहे हैं, उस सीढ़ी को तोड़ रहे हैं, क्योंकि इस सीढ़ी पे कहीं दलित आदिवासी और बच्चे चढ़ते चढ़ते ना आए, और अगर ये चढ़ते आएंगे तो ये सवाल करेंगे, ये हमारी पॉलिसीज को अनफोल्ड और एक्सपोज करेंगे. तो वो सीढ़ी काटना चाहते हैं हम जैसे लोगों के लिए. और ये जो आज हुआ है, ये बहुत पहले होना चाहिए था. डॉक्टर तो 116 दिन से वहां बैठी है, और मुझे लगता है अगर हम सही टाइम पे इस चीज़ को समझ जाते तो हम बहुत कुछ डैमेज होने से रोक लेते. लेकिन अभी भी जो हुआ है, इट्स ए गुड इनिशिएटिव, और ये होना चाहिए, हम सबको एक साथ होकर लड़ना चाहिए अगर हमें अपना एजुकेशन सिस्टम बचाना है. और एजुकेशन खतरा एक बैंक के एम्प्लॉय से नहीं है, खतरा एक इंजीनियर से नहीं है, हॉस्पिटल में जो काम कर रहा है उससे खतरा नहीं है. लेकिन जब आप एकेडमिक्स में हो ना, शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, जो आपका ये जो विजन है, जो विजडम है, ये बड़ा करता है, तब आपको पता चलता है कि यार इतनी समाज के कुरूपताएं हमारे साथ ही क्यों हुई, हमारा ही इतना बुरा हाल इतने सदियों से क्यों रहा, और करने वाले कौन थे, एक तरीके के लोग. तब आप सवाल करते हो, तब आप उनको अपोज करते हो, तब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच को समझते हो, आपको लगता है आवाज उठानी, तब आप सही मायने में टारगेट पे आते हो. इसीलिए एजुकेशन उनका टारगेट है कि पढ़ने ही नहीं दो, ऐसी ऐसी पॉलिसीज लाओ, अग्निवीर के जैसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाओ, खत्म हो जाए. तो मुझे लगता है ये संघर्ष खाली शिक्षकों का नहीं होना चाहिए, छात्र और शिक्षकों का एक जैसा होना चाहिए, जैसे मेरे आंदोलन में वहां पे चल रहा है कि एक साथ होकर हम लड़ रहे हैं, और लड़ाई लंबी है,
माना है हमने, लड़ाई कठिन भी है लेकिन हारना नहीं है, रुकना नहीं है। नाउ इज द टाइम। अगर आप अब नहीं लड़े तो जैसे सांसद मनोज साहब ने कहा, मनोज झा जी ने कहा कि बहुत अब खतरा है, अब इसके बाद आगे क्या है। 2024 विल्सन जी ने भी कहा इज अ डेंजरस टाइम 2024। अगर आप नहीं बोले, अगर आप सड़कों पे नहीं आए तो हमें आंदोलन, अगर साक्षी मलिक जी को भी जो इन्होंने कहा कि क्या उनको स्ट्रैटेजी है, क्यों ऐसा हुआ, अगर आप सुन लीजिए, पीड़ित जितने भी हैं, शोषित जितने भी हैं, अगर आप एक नहीं हुए बड़े दुश्मन को हराने के लिए जो एक आज ऑपोजिशन है, हर एक को छोटे छोटे दुश्मन से दोस्ती पहले करनी पड़ेगी, एक प्लेटफॉर्म पे एक होना पड़ेगा, अपने अंदर के जातियों के डिफरेंसेस, अपने आप को दूसरे से जो ऊपर समझता है कि मैं जाट हूँ या मैं गुजर हूँ तो मैं शूद्र से, जो अति शूद्र है उनसे ऊपर हूँ, इस सारी गंदी और घिनौनी सोच से ऊपर उठ के एक होना पड़ेगा अगर आपको उन मनुवादियों को, उन आरएसएस के गुंडों को, नागपुरियों को हराना है। सो यू गॉट टू फाइंड आउट अ वे एंड दैट इज द ओनली वे। आप अपने संख्या बल से सड़कों से हरा सकते हैं, क्योंकि किससे आप उम्मीद कर रहे हो जस्टिस की? आज संसद में जो देश को चलाने के लिए एक वो बनती है बॉडी, उन्हीं को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, जो वॉइस ऑफ डिसेंट है उन्हीं को दबाया जा रहा है। तो 140 के लगभग नंबर है जो सस्पेंड हो गए इस स्तर में। तो आप ये सोचो, बात करने दो यार, डिस्टर्ब मत करो। तो आज ये जो इतने सारे लोग हैं, जब ये बॉडी सस्पेंड हो गई है, ये लोग, तो आपको उम्मीद है कि आपको संसद में आपके सवाल पूछे जाएंगे, आपकी बात की जाएगी? नहीं की जा रही। तो सड़क सिर्फ ओनली ऑप्शन है। और यार हम बेवकूफ नहीं है, आप लोग हमें चार चार पांच पांच साल से कवर कर रहे हो, तब से भी आप लोगों ने हमें सड़क पे देखा। हम लोग उन लोगों में आते हैं जो वन ऑफ द एजुकेटेड, जो जिसे ये कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ऐसी यूनिवर्सिटीज, हम लोग उस यूनिवर्सिटीज का प्रोडक्ट है जिसमें आपके बच्चे या आपके भाई बहन छोटे छोटे तबकों में बैठ के सपना देखते हैं इस यूनिवर्सिटी में आने की। मार्क माई वर्ड्स, अगर हम नहीं बोले ना तो आपके भाई बहन बच्चे, आने वाली पीढ़ी इस यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकती पढ़ने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी बची ही नहीं। क्या करोगे पढ़ा के? नौकरियां तो है नहीं, सरकारी नौकरी तो है नहीं, कहां से लोगे? तो ये चीज, चाहे वो पहलवानों की लड़ाई है, चाहे वो किसानों की लड़ाई है, चाहे वो आज डॉक्टर रितु सिंह की लड़ाई है, रतनलाल जी की लड़ाई है कि दलित है, या लक्ष्मण यादव जी की लड़ाई है, पिछड़ा समाज से है, अगर जाति का गंदा कीड़ा दिमाग से नहीं निकालोगे, एक नहीं होगे, तो ऐसे ही दोबारा 2024 में मारे जाओगे। फैसला आपको करना।